मैं आपके बीच में कुछ बेचने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको ये कहने आया हूं, मुझे गुजराती नहीं आती है, मैंने गुजराती नथी आवड़ते, इतनी समझ में आती है कि ये कह रहा था कि मेरा कमर खराब है, तो पैर खराब है, तो मुझे बैठकर बोलने की इजाजत दीजिए। देख भाई, पैर खराब है तो चलेगा, ईमान खराब नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बस बता दीजिए, मुझे नहीं कहना है, इस इंसान का ईमान खराब है क्या? थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, कुछ डाउट है क्या? ईमान खराब है क्या? तो हमारे पास एक ऐसी आवाज है जो सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मशहूर है, और इसीलिए ना रात को आसाम से पुलिस आई। सिर्फ गुजरात की पुलिस आई लव यू नहीं बोलती है, आसाम की पुलिस भी आजकल इसको इलू इलू बोल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही, जय शाह के पप्पा का मोहब्बत अगर इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो आसाम क्या 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी भाई साहब। क्या है ना कि 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना तो चैनल ही खरीद लेते हैं। भूपेंद्र भाई को खुद नहीं पता था सुबह में कि दोपहर में चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, और ना वो जब जाते हैं ना तो ये स्पीची भी उनको धक्का दे देता है, और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल आसपास नहीं आने देते हैं, वहां भी कार से साइड कर दिया है। मुझे दिख नहीं रहा है भाजपा का पोस्टर, नहीं तो आपको दिखा देता, पोस्टर में भी उनको साइड कर दिया है। ये गुजरात का अपमान है भाई साहब, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर का अपमान है। भाजपा अगर अपमान का बात करना चाहती है और भाषा की मर्यादा का बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं भाजपा के साथ भाषा की मर्यादा पर बात करने के लिए। हमारे अध्यक्ष ने एक तुलना किया, एक उदाहरण दिया, तो बात को बतंगड़ बनाने लगे, बोले गुजरात का अपमान है। तो मैं पूछना चाहता हूं, टीवी स्टूडियो में बैठ करके मोदी जी को देश का बाप बता रहे थे, वो देश का अपमान था कि नहीं था? था ना, मोदी जी देश के बाप हैं, तो भाजपा का प्रवक्ता ये बात क्यों बोला? अगर बोला तो देश का अपमान किया कि नहीं किया? जिसका घर शीशे का हो ना उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। दिन भर गुंडागर्दी की भाषा करने वाले मंच से खड़ा होकर के गृह मंत्री जिसका काम है कानून व्यवस्था की रक्षा करना, वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं, इंसान को डरा रहे हैं, घाव को कुरेद रहे हैं, जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं, और ये भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको इसलिए खटक रहे हैं ना क्योंकि उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। अगर उनका नाम मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना तो आप उनकी चरण वंदना कर रहे होते। बुद्धिमानी सिखाते हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है साहब, इसको बेशर्मी कहते हैं, बेशर्मी। और मेरे मन में ये विचार आता है कई बार कि पैदाइशी बेशर्म है कि सुबह सुबह चूरन खाते हैं मालूम है। वोट देता है लोग किस उम्मीद में, टैक्स देता है लोग किस उम्मीद में कि सरकार जनता के समस्याओं से उसको निजात दिलाएगी। मैं आपके बीच में कुछ बेचने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको ये कहने आया हूं, मुझे गुजराती नहीं आती है, मैंने गुजराती नथी आवड़ते, इतनी समझ में आती है कि ये कह रहा था कि मेरा कमर खराब है, तो पैर खराब है, तो मुझे बैठकर बोलने की इजाजत दीजिए। देख भाई, पैर खराब है तो चलेगा, ईमान खराब नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बस बता दीजिए, मुझे नहीं कहना है, इस इंसान का ईमान खराब है क्या?
थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, कुछ डाउट है क्या, ईमान खराब है क्या? तो हमारे पास एक ऐसी आवाज है जो सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मशहूर है। और इसीलिए ना रात को आसाम से पुलिस आई, सिर्फ गुजरात की पुलिस आई लव यू नहीं बोलती है, आसाम की पुलिस भी आजकल इसको इलू इलू बोल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही, जय शाह के पप्पा का मोहब्बत अगर इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो आसाम क्या 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी भाई साहब। क्या है ना कि 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना तो चैनल ही खरीद लेते हैं। भूपेंद्र भाई को खुद नहीं पता था सुबह में कि दोपहर में चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, और ना वो जब जाते हैं ना तो ये स्पीची भी उनको धक्का दे देता है, और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल आसपास नहीं आने देते हैं, वहां भी कार से साइड कर दिया है। मुझे दिख नहीं रहा है भाजपा का पोस्टर, नहीं तो आपको दिखा देता, पोस्टर में भी उनको साइड कर दिया है। ये गुजरात का अपमान है भाई साहब, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर का अपमान है। भाजपा अगर अपमान का बात करना चाहती है और भाषा की मर्यादा का बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं भाजपा के साथ भाषा की मर्यादा पर बात करने के लिए। हमारे अध्यक्ष ने एक तुलना किया, एक उदाहरण दिया तो बात को बतंगड़ बनाने लगे, बोले गुजरात का अपमान है। तो मैं पूछना चाहता हूं, टीवी स्टूडियो में बैठ करके मोदी जी को देश का बाप बता रहे थे, वो देश का अपमान था कि नहीं था? था ना, मोदी जी देश के बाप हैं, तो भाजपा का प्रवक्ता ये बात क्यों बोला? अगर बोला तो देश का अपमान किया कि नहीं किया? जिसका घर शीशे का हो ना उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। दिन भर गुंडागर्दी की भाषा करने वाले मंच से खड़ा होकर के गृह मंत्री जिसका काम है कानून व्यवस्था की रक्षा करना, वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं, इंसान को डरा रहे हैं, घाव को कुरेद रहे हैं, जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं, और ये भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको इसलिए खटक रहे हैं ना क्योंकि उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। अगर उनका नाम मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना तो आप उनकी चरण वंदना कर रहे होते। बुद्धिमानी सिखाते हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है साहब, इसको बेशर्मी कहते हैं, बेशर्मी। और मेरे मन में ये विचार आता है कई बार कि पैदाइशी बेशर्म है कि सुबह सुबह चूरन खाते हैं मालूम है। वोट देता है लोग किस उम्मीद में, टैक्स देता है लोग किस उम्मीद में कि सरकार जनता के समस्याओं से उसको निजात दिलाएगी।